अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पर मंथ स्टाइफंड हर साल 5 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप की वैकेंसीज कंपनी निकालती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते जर्मनी। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जर्मनी में रहती हूँ, जर्मनी यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जर्मनी में आकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री भी नहीं है। वो लोग अपना कैरियर 9th, 10th, 11th, 12th के बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू या वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू बना सकते हैं, जर्मनी में जिसे बोलते हैं GDVET। वोकेशनल ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट स्किल्स, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, म्यूजिशियन, टेलर, वो सभी स्किल जो अपने यहाँ ITI में होते हैं, वो सभी स्किल यहाँ पर जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग में होते हैं। जब मैं जर्मनी में आई तो मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा कि मोर देन 50% स्टूडेंट स्कूल से पास होने के बाद यूनिवर्सिटी डिग्री में एडमिशन नहीं लेते, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं इस वोकेशनल ट्रेनिंग में। और जर्मनी और यूरोपियन कंट्री में ये वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत पॉपुलर है। फर्स्ट रीजन है इन सब प्रोफेशन एंड स्किल की जर्मनी में बहुत डिमांड है। अक्टूबर 2020 में 60,000 वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई थी। सेकेंड रीजन है यंगस्टर बहुत कम एज में ही अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पर मंथ स्टाइफंड मिलता है। थर्ड रीजन है एवरेज सैलरी अच्छी होती है, अपने अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और इंटर्नशिप करने के बाद जॉब में जो सब बेनिफिट्स होते हैं वो सब इनको मिलते हैं। अगर आपको जानने हैं कि वो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। और फोर्थ रीजन है कि कंपनी को भी अपने अकॉर्डिंग ट्रेन एम्प्लॉय मिल जाते हैं। जर्मनी में हर साल 5 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप की वैकेंसीज कंपनी निकालती है, वो भी 330 डिफरेंट स्किल्स में। आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। 2020 से पहले इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को केवल जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट ही एनरोल कर सकते थे, लेकिन 1 मार्च 2020 के बाद स्किल इमिग्रेशन एक्ट में चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें नॉन यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट भी एनरोल कर सकते हैं। जर्मनी में रियाल शुले एंड हॉप शुले के बाद जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं करना चाहते हैं वो अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। रियाल शुले होता है 9th स्टैंडर्ड एंड हॉप शुले होता है 10th स्टैंडर्ड। यहाँ ऐसा नहीं है सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन चूज करके, चाहे उसको प्लम्बर बनना है, इलेक्ट्रीशियन बनना है, टेलर बनना है, म्यूजिशियन या कुक बनना है, तो वो लोगों को किसी यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं। और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में 70% आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुक बनना है तो आपको होटल या रेस्टोरेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। रेस्ट ऑफ 30% आप कोर्स रिलेटेड बैरूफ शुले में पढ़ाई करेंगे, वहां पर आपके एग्जाम भी होंगे और उस एग्जाम के बेस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे बैरूफ शुले में हम कैसे जाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस कंपनी से इंटर्नशिप करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें रजिस्टर करवा देगी। ये ट्रेनिंग 2 से 3 साल की होती है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको पर मंथ स्टाइफंड भी मिलेगा। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैक्सिमम लोग वहीं प्लेस हो जाते हैं जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप करते हैं। अगर वर्स्ट केस में अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको 1 साल का रेजिडेंट परमिट मिलेगा, उसमें आप जर्मनी में रहकर जॉब सर्च कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी एज 25 या 25 ईयर से कम होनी चाहिए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। नंबर 2, B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे जर्मन में होंगे और मोस्टली इंटर्नशिप भी आपकी जर्मन में ही होगी। नंबर 3, आपको चाहिए अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 9th, 10th, 11th, 12th जिसके भी बाद आप कर रहे हैं। नंबर 4, आपको चाहिए CV जिसमें आप अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी ये सब रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो फिर आप चेक करेंगे जिस कोर्स के लिए आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन जर्मनी में वैलिड है या नहीं है, उसको मैं बताती हूँ आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप अनाबिन की वेबसाइट पर जाएंगे, फिर ज़ाइग्निस बिवॉर्टम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ZAB की टैब पर क्लिक करेंगे जिसमें फॉरेन डिग्री की वैलिडेशन करने की इंफॉर्मेशन है। हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही वैलिड करवाना है तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे।
जब आप अप्लाई करेंगे तो लोकल अथॉरिटी वैलिड करेगा आपका सर्टिफिकेट, और इन कंडीशंस पर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए इसके बारे में तो आप समरी में जाकर उसको देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट में जाकर उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट मैच हो जाती है तो आप housebuilding.de की वेबसाइट पर जाकर अपने अकॉर्डिंग इंटर्नशिप चूज कर अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर कंपनी इंटर्नशिप की वैकेंसीज डालती है और ये वैकेंसी एडवांस में एक साल पहले डाल दी जाती है। इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 अगस्त या 1 सितंबर को स्टार्ट होता है। मैं दिखाती हूँ आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये housebuilding.de की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। आप सिटी, कंपनी एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखते हैं क्या है। ये कंपनी है जिन्होंने इंटर्नशिप की वैकेंसीज डाली हुई है। टिशलर का मीन्स है कारपेंटर, यहां पर 10 वैकेंसीज हैं। आले बैरूफे जिसका मीन्स है ऑल प्रोफेशंस, आपको यहां A to Z सभी स्किल के इंटर्नशिप मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये सब जर्मन में है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें 551 वैकेंसीज हैं। इस प्रोग्राम के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। 3.5 ईयर की इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा आपका। ये वीकडेज में इंटर्नशिप होगी। आपको पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको इतना, सेकेंड ईयर में इतना मिलेगा, थर्ड ईयर में ये है, फोर्थ ईयर में। राइट साइड में ये बहुत सारी कंपनी है जहां वैकेंसीज निकली हुई है। डिटेल में देखते हैं इसको। बायर ये बहुत बड़ी कंपनी है। कोरोप्लास्ट में देखते हैं ये फर्स्ट नंबर पे जो है। ये सब कंपनी के बारे में बताया हुआ है। वो पटाल में है ये। आप क्या काम करेंगे ये सब डिटेल है यहाँ पर। और ये 1 अगस्त को स्टार्ट होगी आपकी इंटर्नशिप। आपकी क्या प्रोफाइल होगी, आपको ये क्या ऑफर करेंगे, अब देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी। ये सब आपकी पर्सनल डिटेल है, आप इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम मिल जाता है, तो आप वीजा अप्लाई करके जर्मनी आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको और भी तरीके देखने हैं जर्मनी आने के, मैंने वीडियो बनाई हुई है 8 ways to come Germany, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।